Hello everybody, good morning to all of you and welcome to eSarvel. This is Dr. Shivani Bhargav. आज का जो हमारा session है बेटा, हम लोगों ने plant physiology के अंदर transport in plants, photosynthesis in higher plants, respiration in plants, इनके NCERT मतलब हम पूरा decode कर चुके हैं. In today's class, I'm going to start with the new chapter that is the plant growth and development. इसके बाद फिर छोटू सा एक चैप्टर और रहेगा, दैट इज द मिनरल न्यूट्रिशन, देन वी विल एंड अप विद द प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे. इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं उन्हें अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ. मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए बच्चे इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग एम्स. मैं eSarvel के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ाती हूँ. मेरे ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, DPP, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. प्लस मेरे बारे में सारे अपडेट्स, मैं कब कहाँ कौन सा सेशन ले रही हूँ, क्या हो रहा है, मतलब मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल, दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/DrShivani, इससे आपको जुड़ना है. ये कुछ eSarvel के पेड बैचेस हैं 2023 और 2024 टारगेट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ब्रह्मोस, प्रहार, वॉरियर, 11th 12th ड्रॉपर्स के लिए होते हैं. तो आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के तहत अगर नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं. तो eSarvel के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. ठीक, तो आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तरीका वही अपनाएंगे. अभी यही तुम्हारा सबसे बड़ा डिमांड में था. एनसीईआरटी में नोट्स बनवाऊंगी, तुम्हें चिंता मत करो. ठीक है, तो सब लोग फटाफट से अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसमें आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही होगी, दैट इज द ग्रोथ. यहां से हम शुरू करेंगे. ठीक है, ये तो जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग वाली चीज है, तो मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ क्या कह रहे हैं. प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, ग्रोथ मेजरेबल है. ठीक है, फेजेस ऑफ ग्रोथ, यहां से मैं आपके, चिंता मत करो, मैं सारे नोट्स आपको वही जैसे अभी तक बाकी सारे चैप्टर्स में करते आए एनसीईआरटी में ही बनवा दूंगी. ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं. देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, ग्रोथ की अगर हम बात करें, मैं जो लिखने लायक होगा नोट्स बनवाने में बता दूंगी, जो जस्ट ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग लगानी वो मैं यहां से पढ़ के सुना रही हूँ. ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग. सभी लिविंग बींग ग्रोथ को शो करते हैं. ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टर है ग्रोथ. लेकिन ग्रोथ होता क्या है, तो ग्रोथ हम कैसे कहते हैं, ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है, इट कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या फिर उसके पार्ट या फिर उसके इवन एक इंडिविजुअल सेल के अंदर भी. परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या फिर उसके किसी पार्ट का या फिर और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, इसे आप कहते हैं ग्रोथ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट. ठीक है, ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल. ठीक है, ग्रोथ कब होता है, ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी. ठीक है, जैसे कि अब लीफ में भी अगर उसका साइज बढ़ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ लीफ, तो उसे भी आप ग्रोथ कहेंगे. ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, अगर आप वुड पीस को पानी अगर देते तो स्वेलअप हो जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्या इसे भी आप ग्रोथ कहेंगे. इन्हीं तमाम चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो इधर मैं अगर एनसीईआरटी के नोट्स साथ बनाने की बात कर रही हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में मेरे एक काम की चीज निकली है, ग्रोथ का डेफिनेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज एन
it is defined as, it is defined as an irreversible, irreversible, permanent, irreversible, permanent increase in size of an organ या फिर उसके किसी पार्ट का और इट्स पार्ट या फिर एक इंडिविजुअल और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, इसे आप कहते हैं बेटा ग्रोथ. दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन सेक्शन. अब वो कह रहा है बेटा कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है ये इनडिटर्मिनेट होती है. इनडिटर्मिनेट मतलब ग्रोथ, आपको याद होगा 11th के अंदर पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है या फिर इनडिटर्मिनेट होती है. डिटर्मिनेट यानी कि लिमिटेड ग्रोथ, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स के अंदर होती है इनडिटर्मिनेट यानी कि अनलिमिटेड है ग्रोथ. तो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट. इनडिटर्मिनेट का मतलब नहीं पता है किसी को तो यही लिख लो, यानी कि अनलिमिटेड है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, एक लिमिटेड पीरियड तक नहीं होती है. थ्रू आउट द लाइफ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती रहती है. तो देखो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, क्यों? बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, इसीलिए कहते हैं प्लांट में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है. दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट, ये किस वजह से है, हमने ये भी पढ़ी थी कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, एक तो इनडिटर्मिनेट है. इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब है अनलिमिटेड है, थ्रू आउट द लाइफ इनमें ग्रोथ चलती रहती है. और एक अपन ने याद होगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही पढ़ा था, एक होता है लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ, एक होता है डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ. डिफ्यूज मतलब सभी जगह से ग्रोथ हो रही है, लोकलाइज मतलब कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर ही. प्लांट्स जो है बेटा ये लोकलाइज्ड ग्रोथ शो करते हैं, इसमें लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है. लोकलाइज्ड क्यों? जहां जहां पर प्लांट्स के अंदर मेरिस्टमैटिक सेल्स होंगी, मेरिस्टमैटिक पॉइंट्स जहां जहां पर होते हैं, सिर्फ वहीं पर ग्रोथ होती है. आप लोग को पता होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा मेरिस्टमैटिक सेल्स, उन्हीं के अंदर तो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है. तो प्लांट्स में जहां जहां पर मेरिस्टमैटिक सेल्स होंगी सिर्फ वहीं पर ग्रोथ होती है. तो प्लांट के अंदर लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है. ये जो एबिलिटी है अनलिमिटेड ग्रोथ की, मेरिस्टम्स की वजह से है, जो कि कुछ ही लोकेशंस पर प्रेजेंट होती है, इसलिए बोलते हैं लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ. द सेल ऑफ सच मेरिस्टम हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, ये अपने आप बनती रहती है. द प्रोडक्ट हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड, जैसे ही मतलब ये मैच्योर होंगी तो प्लांट बॉडी बना. दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ जहां पे न्यू सेल हमेशा ऐड होती रहेंगी प्लांट बॉडी में बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम, इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं. ठीक है, इसे आप ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं. तो यही कुछ इसने, ये राम कहानी, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट डायकॉटिलेडन प्लांट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये लाइफ में बाद में अपीयर होते हैं. दिस मेरिस्टम ये क्या करता है, ये गर्थ यानी कि उसके डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है. इसको आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं प्लांट्स की. कुल मिला के आपको यहाँ पर बस ये लिखना है, प्लांट्स में ग्रोथ का डेफिनेशन लिख लिया, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट, लोकलाइज्ड एंड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होता है. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, दैट्स इट. That's it about all this paragraph. ये हो गया. NCERT में नोट साथ साथ ही बनाते जा रहे हैं. नेक्स्ट हेडिंग NCERT में देखने को मिलेगी, ग्रोथ जो है बेटा ये मेजरेबल है, मतलब इसे आप माप सकते हैं. ग्रोथ एट ए सेल्युलर लेवल इज ए प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस अगर किसी भी अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म वगैरह बढ़ रहा है. तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, तो डायरेक्ट मेजर करना ये डिफिकल्ट है. तो इसे आप जनरली मेजर करते हैं क्वांटिटी में, जो कि मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे तरीके हैं इसको मेजर करने के, जैसे कि फ्रेश वेट अगर बढ़ता है, या फिर ड्राई वेट में बढ़ना, या फिर लेंथ में बढ़ना,
या फिर एरिया बढ़ना या फिर वॉल्यूम बढ़ना या सेल नंबर बढ़ना, या आप इसको इस तरीके से ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एनसीईआरटी में यही बना लो, ग्रोथ इज मेजरेबल, आप इसे माप सकते हैं। मापने के कई पैरामीटर हैं, ठीक है, कई पैरामीटर हैं, जैसे कि हमने बात की इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, ठीक है, लेंथ बढ़ना, लेंथ, एरिया बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, सेल के नंबर में कोई इंक्रीमेंट होना, इन बेसिस पर आप, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। अब ये दे रखा है, यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट कि सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टम जो है ये लगभग 17,500 न्यू सेल्स को पर घंटे जन्म देता है, जबकि वाटरमेलन जो है लगभग 3.5 लाख टाइम्स अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। इनफॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस सेल नंबर हो गया, दूसरे में साइज हो गया। तो कुल मिला के ये सारे यार ये इसने दे रखे हैं ग्रोथ को मेजर करने के, फ्रेश वेट ले लो, ड्राई वेट ले लो, वॉल्यूम ले लो, एरिया ले लो, सेल नंबर ले लो, लेंथ ले लो, इनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब कुल मिला के ग्रोथ मेजरेबल है, आप उसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द रियल टॉपिक बिगिंस फ्रॉम हियर रिगार्डिंग द फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारे ये जितना भी एनसीईआरटी में राम कहानी दे रखी है ना, इस पूरे पैराग्राफ का सार ये रहा, प्लांट ग्रोथ कैसी, इस पूरे पैराग्राफ का साइड इंडिटरमिनेट है, लोकलाइज या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, खत्म कहानी, ग्रोथ इज मेजरेबल, ये इसका पूरी राम कहानी का सार ये रहा। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं आपको अपने फॉर्मेट में पढ़ाती हूँ, फिर एनसीईआरटी से बता दूंगी। फेजेस ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूं, कहां लिखूं मैं ये हेडिंग, यहां हेडिंग डाल दो, अपन एनसीईआरटी में नोट्स बना रहे हैं बेटा, तीन फेजेस पढ़ोगे आप ग्रोथ के, ग्रोथ के तीन फेजेस हैं, एक है फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल डिवीजन, या फिर कहिए सेल फॉर्मेशन, पहला फेज, फेज ऑफ सेल डिवीजन या फिर कह दो आप सेल फॉर्मेशन, नाम से ही क्लियर है बेटा कि यहां पर भाई सेल का डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स यहां पर है इंक्रीज होंगी बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी ना, नाम ही बता रहा है इस फेज में क्या होता है। तीन फेज पढ़ेंगे, सबसे पहला फेज है फेज ऑफ सेल डिवीजन या फिर इसे सेल फॉर्मेशन फेज भी कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय सेल डिवीजन, यही होगा इस फेज में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय सेल डिवीजन, ये होता है बेटा। ठीक, ये तो था पहला फेज जिसमें क्या हो रहा है, नाम से ही क्लियर कट इंडिकेशन आपको मिल रहा है। अब इसमें जो दूसरा फेज है, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट या फिर इसे सेल इलोंगेशन फेज भी कहते हैं, दूसरा फेज जो है इसमें, इट इज फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट या फिर कह दीजिए सेल इलोंगेशन फेज, ये है आपका दूसरा फेज, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन फेज। तो सेल एनलार्जमेंट से ये पॉइंट तो क्लियर है कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट है ना, तो ये पॉइंट तो
कुछ याद ही नहीं रख, ऐसे ही क्लियर है कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज। अब वो कह रहा है कि साइज बढ़ रहा है ना सेल का, तो साइज बढ़ने का कारण क्या है? तो ये वैक्यूलाइजेशन भी ड्यू टू वैक्यूलाइजेशन एंड टर्गर प्रेशर इसका कारण है, ठीक है। और एक और की कॉन्सेप्ट है, यहां पर न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन आपको इसी फेज में देखने को मिलेगा। और तीसरा फेज जो है यह सेल डिफरेंशिएशन या फिर कह दीजिए सेल मैच्यूरेशन फेज। तीसरा जो फेज है इट इज सेल मैच्यूरेशन, या फिर कहते हैं नाम से ही क्लियर है, मैच्योर हो रही है अभी सेल यहां पर, और डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, इसे मॉर्फोजेनेटिक लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक फेज, डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव चेंजेस, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छे से दे रहे। एज आई टोल्ड यू फेजेस ऑफ ग्रोथ की मैं बात करूं, सॉरी फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करूं, तो वो बता रहा है कि भाई पीरियड ऑफ फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है इसके तीन फेजेस हैं। सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक या फिर सेल ऑफ डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक फेज, या फेज ऑफ सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन, या फिर सेल मेरिस्टेमेटिक फेज भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लो एनसीईआरटी का ये पॉइंट भी, फेज ऑफ सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन और मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। दूसरा था एलोंगेशन, हमने लिख लिया सेल ऑफ फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट या सेल एलोंगेशन। और तीसरा है मैच्यूरेशन, हमने लिख लिया ना सेल मैच्यूरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप, द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी सेल डिवीजन से। द सेल इन दिस रीजन, ये इसका बता रहा है द सेल इन दिस रीजन यानी कि आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होगा, सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होगी, थिन होगी, ठीक है, एंड सेलुलोज विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन, ठीक है। द सेल प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर आएगा आपका फेज ऑफ एलोंगेशन। कुल मिला के ये जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय सेल डिवीजन के अलावा आप ये पॉइंट यहीं लिखो एनसीईआरटी का। मैं इसको इरेज करती हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी रहेगी ही सही। हाँ बेटा, क्या देखा इसमें? द सेल इन दिस रीजन कैसी होगी बेटा? रिच इन प्रोटोप्लाज्म, आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होगा, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, सेल वॉल प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड सेलुलोसिक, थिन एंड सेलुलोसिक विद विद
abundant plasmodesmatal connection with abundant plasmodesmatal कनेक्शन, ये सारी क्वालिटीज होंगी, ठीक है। इसके बाद आएगा सेल एनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन फेज। इट इज सेल एनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन फेज। एज आई टोल्ड यू, इसमें क्या होगा, वैक्यूलेशन की वजह से सेल एनलार्जमेंट होगा और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फेज। तो मतलब उसमें तो वही है जो हमने लिखा था कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज ड्यू टू वैक्यूलाइजेशन एंड टर्गर प्रेशर, साइज ऑफ सेल इंक्रीज ड्यू टू टर्गर प्रेशर, फुल फॉर्म लिख लेना जिसको लिखना लगे, एंड वैक्यूलेशन, ठीक है, एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन यहां पर होगा। और क्या होता है, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा फेज है फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स, मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन। इसके बाद आएगा आपका सेल मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन फेज, फेज ऑफ मैच्यूरेशन। इस जोन में साइज जो है मैक्सिमम साइज अटेन कर चुकी होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 रिप्रेजेंट दिस फेज, ठीक है। तो सेल मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन फेज में डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव चेंजेस, यही वाला लिख लो। तीसरा फेज जो है सेल मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन फेज। ठीक है, इसमें लिख लो डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव चेंजेस में, डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव चेंजेस इज इंपॉर्टेंट फीचर of this phase. That's all, bachcha. It is all about this. It is all about the phases of growth. Phases of growth ki hum baat kare, to teen phases hain iske. That is the phase of cell division or cell formation or the meristematic phase, cell enlargement or elongation, and the cell मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन फेज। सबके इवेंट्स हमने लिख लिए, सेल एनलार्ज, फेज ऑफ सेल डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ, मतलब सेल डिवाइड होके नई सेल्स बनाती है, इस सेल्स में जो, इस रीजन में जो सेल्स होंगी इंपॉर्टेंट है, रिच इन प्लोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगी, थिन होगी, सेलुलोसिक वॉल होगी विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। इलॉन्गेशन और एनलार्जमेंट ऑब्वियस सी बात है साइज ही बढ़ेगा, वैक्यूलेशन और टर्गर प्रेशर और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन इस फेज में होता है, मैच्यूरेशन फेज में डेवलपमेंट और क्वालिटेटिव चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा एनसीईआरटी था, थोड़ा मिनिमाइज कर लेती हूँ, ये फेजेस ऑफ ग्रोथ का, इसका पूरा नोट्स हमने बना लिया। अब नेक्स्ट जो है, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द ग्रोथ रेट, ठीक है। इसमें एक आप पढ़ते हो अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, और एक आप पढ़ते हो जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, हेडिंग डाल लो, आ जाओ। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे आप ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है, इसको मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें देखो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ दे रखा है, द ग्रोथ रेट शो इंक्रीज, जो कि अरिथमेटिक भी हो सकती है या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ भी हो सकती है,
क्या होता है देखो, वो बता रहा है कि जो अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ है इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, इसमें सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड करना कंटिन्यू करेगी, बाकी दूसरी जो है ये डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैं आपको समझाती हूँ पहले, फिर आपको ये लैंग्वेज पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। देखो हेडिंग डालो, तुम हेडिंग डाल लो बेटा। ग्रोथ रेट, ठीक है। अब इसमें एक तो आप पढ़ोगे अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, पहले मैं अरिथमेटिक फॉर्म ही बता रही हूं, अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है देखो, ये एक सेल है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें डिवीजन होगा, इससे आपकी, इसके डिवीजन से आपके दो डॉटर सेल बन गई, एक डॉटर सेल और ये दो डॉटर सेल। इससे जो दो डॉटर सेल बनी है ना बेटा, इसमें से सिर्फ एक में फर्दर डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी, बाकी दूसरी मैच्योर होके मैच्योर हो जाएगी, अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देगी, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी। यानी कि इसकी जो दो डॉटर सेल थी, इनमें से सिर्फ ये एक में फर्दर डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ये तो मैच्योर होगी। तो अब एक में डिवाइडिंग कैपेसिटी ना, तो कैसे डिवाइड होगी, इसमें तो ये जो मैंने लाइन की है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल जो फर्दर डिवाइड करेगी, तो इस एक से तो दो बन गए, ये एक और ये दो, और ये वाली सेल एज इट इज है, ठीक। अब इसमें से भी ये जो दो डॉटर सेल बनी, इससे दो, इसमें से अगेन एक मेरिस्टेमेटिक होगी और ये दूसरी तो मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगी, तो कुछ ऐसा बनेगा वापस से, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इससे तो दो बनेंगी, दो डॉटर सेल, एक दो, और ये दो एज इट इज ऐसी रहेंगी, एक दो। अब इससे जो दो बनी है, इसमें से सिर्फ एक में ही डिवाइडिंग कैपेसिटी होगी फर्दर, और ये बाकी मैच्योर होगी, तो अगेन इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है, इसमें इससे दो बन गई और ये तीन एज इट इज है। दिस इज द अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसमें ये वाली जो सेल है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल विच हैव द डिवाइडिंग कैपेसिटी, एंड दिस इज द मैच्योर सेल जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक डिवीजन में, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है देखो, इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, जिससे दो डॉटर सेल बनी, दो डॉटर सेल में ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, एक ही डॉटर सेल डिवाइड करेगी, दूसरी तो डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएगी, और ऐसे ही फर्दर चलता रहता है। दिस सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, ये आपको इसका एग्जाम्पल है, रूट एलोंगेशन एट ए कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो अरिथमेटिक ग्रोथ का, रूट एलोंगेशन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ में होता क्या है, ओनली वन डॉटर सेल फर्दर डिवाइड, अदर बिकम, दूसरी जो डॉटर सेल है ये मैच्योर हो जाएगी, अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देगी। तो ये एक से ये दो डॉटर सेल बनी, इसमें सिर्फ ये एक में डिवाइडिंग कैपेसिटी, तो इससे दो बनी, ये एज इट इज है, फिर इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी, तो इससे दो बनी और ये दो एज इट इज है, फिर इसमें मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब सिर्फ एक में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, दो डॉटर सेल बनती है जिसमें एक फर्दर डिवाइड करती है, दूसरी मैच्योर हो जाती है, यही कहानी है इसकी। दिस इज द अरिथमेटिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ लीनियर कर्व मिलेगा, और इसे एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी लिख लो। कर्व आएगा लीनियर कर्व, अरिथमेटिक ग्रोथ में लीनियर कर्व देखने को मिलेगा, लीनियर कर्व आएगा, और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एल टी
इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, ये बस एल टी इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम है, एल नॉट इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम जीरो, आर ग्रोथ रेट है, ठीक है, ये हो गया बस। अब होता है एक है जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये लेंथ और टाइम का ये एक ऐसे लीनियर कर्व आपको मिलता है। नाउ वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा। ये था आपका अरिथमेटिक ग्रोथ, इसमें दोनों डॉटर सेल में अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, दोनों डॉटर सेल डिवाइड करती रहती है, ठीक है, बोथ डॉटर सेल रिटेन देयर डिवाइडिंग एबिलिटी, कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये अरिथमेटिक ग्रोथ लिखा मैंने यहाँ पे, मैं लिखती हूँ अब जियोमेट्रिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ, इसमें दोनों डॉटर सेल के अंदर बोथ डॉटर सेल रिटेन द डिवाइडिंग एबिलिटी, बोथ डॉटर सेल रिटेन डिवाइडिंग एबिलिटी, मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो आई विल शो यू, देखो बेटा ये है जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, ये एक डॉटर सेल है, इसके डिवीजन से दो सेल बने, दोनों में डिवाइडिंग एबिलिटी है, अब ये दोनों डिवाइड करेंगी, यानी कि इससे भी दो डॉटर बनेंगी एक दो, और इससे भी दो बनेंगी एक दो, अब इन सब में डिवाइडिंग एबिलिटी है, कोई मैच्योर नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, इससे पहली से दो बनी एक दो, इससे भी दो बनी एक दो, इससे भी दो डॉटर सेल एक दो, और इससे भी दो डॉटर सेल एक दो, और ये सब फर्दर डिवाइड करेंगी, तो दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, ऐसे आप बनाते जाओगे, दिस इज द जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये देखो यही लिखा होगा, इन मोस्ट सिस्टम इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है। अच्छा इसका प्लॉट जब आप इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, इसका जब ग्राफ बनेगा ग्रोथ पैटर्न, इसमें ये एस शेप और सिग्मोइड कर्व आता है इसका, ये लिख लो सिग्मोइड और एस शेप कर्व आता है, ये देखो ये सबसे पहले धीरे धीरे ग्रोथ होगी, दैट इज अ लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ, फिर स्टेडी और स्टेशनरी फेज आता है, जहां पर मतलब ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट रुक जाती है, ठीक है, ये होता है, तो इसमें सिग्मोइड, उसमें लीनियर कर्व था, इसमें सिग्मोइड और एस शेप कर्व देखने को मिलता है जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ में, सिग्मोइड और एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइड और एस शेप में पहले लैग फेस आएगा, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज आता है, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर इसे ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर आता है आपका डायरेक्ट कम्स टू द स्टेडी और स्टेशनरी फेज, ये इस तरीके से ये ग्राफ इसमें देखने को मिलता है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो W1 वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, यही होगा ये रहा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी W1 वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, ये लो W1 वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, ये रहा W1 वन फाइनल साइज, इनिशियल साइज, R इज द ग्रोथ रेट, T at the time T, E क्या है, ये आना चाहिए, E is the base of natural logarithm, ये तो तुम्हें पता होगा, E जो है ना, it is base of, आ चुका है question, natural logarithm, that's it बेटा,
दैट्स ऑल अबाउट दिस. इट इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ ये आपका ग्रोथ पैटर्न हो गया, ग्रोथ रेट. अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके. ठीक है, अब हम एक पढ़ेंगे, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ. ये क्या होती है? ठीक है, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ, ग्रोथ की बात कर रहे हो ना, तो एक होती है बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ. दोनों के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगी. मतलब टोटल ग्रोथ जितनी भी हो रही है, टोटल ग्रोथ अकर इन यूनिट टाइम इन प्लांट और प्लांट पार्ट, टोटल जितनी ग्रोथ हो रही है उसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ. टोटल ग्रोथ अकर इन यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हो रही है किसी भी प्लांट या उस प्लांट पार्ट में, इन प्लांट और प्लांट पार्ट, दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ. एक होता है बेटा रिलेटिव ग्रोथ, एक होती है आपकी रिलेटिव ग्रोथ. ये क्या होती है? ये किसी की तुलना में है, इनिशियल पैरामीटर की तुलना में. ठीक है, टोटल ग्रोथ जितनी हुई है अकर इन यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर, इसे आप कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये देखो ये लीफ ए दे रखा है, ये लीफ बी दे रखी है तुम्हारी. ठीक है, ये लीफ बी है, इसमें देखो डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ. बोथ लीफ ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन गिवन टाइम. ये पहले ये 5 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर और ग्रोथ हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 7 दिन का, सब में सेम टाइम है 7 डेज. ऐसे इसमें भी पहले 50 सेंटीमीटर की थी, 55 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें भी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो गई 7 डेज में. तो लीफ ए और लीफ बी, ठीक है, लीफ ए के अंदर और लीफ बी के अंदर, देखो इसमें मैं अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करूं, अपन अगर बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें, चाहे मैं लीफ ए के अंदर बात करूं चाहे लीफ बी के बात करूं, तो 7 डेज में लीफ ए में भी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, लीफ बी में भी 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई. तो लीफ ए और लीफ बी दोनों के अंदर ही एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम है, दैट इज द 5 सेंटीमीटर. लेकिन अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव ग्रोथ की, तो देखो रिलेटिव ग्रोथ क्या है, इनिशियल पैरामीटर की तुलना में कितना है. ठीक है, तो ए के अंदर तो 5 से 10 यानी कि ऑलमोस्ट डबल होगी, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट लीफ ए का तो ऑलमोस्ट 100% है, लेकिन यहां पर 50 से 55 ही हुई, तो लीफ बी के अंदर ही ऑलमोस्ट सिर्फ 25% ही रहा, पहले 50 था, 55 कितना सही तो बड़ा है. तो रिलेटिव ग्रोथ लीफ ए में तो ऑलमोस्ट 100% है और इसमें अबाउट 25% है, क्योंकि पहले की तुलना में तो कितना सही बढ़ा है, ये तो पहले जितना था उतना ही दोबारा बढ़ गया, 5 से 5 ही और बढ़ गया, डबल हो गया, 100% है रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसमें कम है. तो ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा. एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब टोटल कितनी ग्रोथ हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो चाहे लीफ ए में भी 5 सेंटीमीटर ही बढ़ा 7 दिन में, लीफ बी में भी 5 सेंटीमीटर ही बढ़ा, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों की सेम है, रिलेटिव इनिशियल पैरामीटर की तुलना में कितनी हुई. तो लीफ ए में पहले 5 था और अब 10, तो उतना ही बढ़ गया साइज, ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो 100% रिलेटिव ग्रोथ. लेकिन लीफ बी में पहले 50 था और अब 55 ही हुआ, तो उसकी तुलना में तो कितना सही बढ़ा, 10-20% ही तो बढ़ा ही. तो ये है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ में डिफरेंट. मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल, इट इज अबाउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ.
ये मैं तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ के समझा देती हूँ, ये समझ में आ गया ना, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ देती हूँ। डायग्राम मैंने अलग से बनाया नहीं, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ पढ़ा था ना, टोटल ग्रोथ कितनी हो रही है, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस इज अ कॉमन बेसिस, यानी कि इनिशियल पैरामीटर की तुलना में, तो ये रिलेटिव ग्रोथ है। ए और बी का बता रखा है इसमें, वही एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ किसमें क्या है, तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक हो गया बच्चा, नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये हम देखेंगे अब बच्चे। नेक्स्ट क्या देखोगे आप, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये समझ में आ गया ना, जितना पढ़ा ना सबका एनसीईआरटी का नोट्स यही बनाते चले गए हम इस पूरे चैप्टर के। इस पैराग्राफ का ये रहा प्लांट ग्रोथ इनडिटरमिनेट, इस पूरे पैराग्राफ का ये रहा नोट, ग्रोथ मेजरेबल इसका पैराग्राफ का ये रहा, फेजेस ऑफ ग्रोथ ये बना दिए इसके नोट्स, ठीक है, फिर ग्रोथ रेट का अरिथमेटिक, ये जियोमेट्रिक, और फिर ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये बन गया पूरा डायग्राम यहीं से देख लिया। अब पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ग्रोथ, इसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, ये मैं यहीं से पढ़ के सुना दूंगी क्योंकि ईजी है, ठीक है, ये फिर लिखवाऊंगी, ये मैं बकायदा लिखवाऊंगी डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन क्या है, ये मैं यहीं से पढ़ के सुना देती हूँ। ओके बच्चों देखो क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए Why do you not try to write down that you think? मतलब क्या क्या जरूरत है ग्रोथ के लिए, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको पता है क्या क्या चाहिए भाई ग्रोथ के लिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब असेंशियल एलिमेंट्स हैं ग्रोथ के लिए, ये सब चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, है ना, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों असेंशियल एलिमेंट्स हैं ग्रोथ के लिए। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज, प्लांट सेल जो है साइज में बढ़ता है बाय एनलार्जमेंट, जिसको पानी की जरूरत होती है, टर्जिडिटी टर्गर प्रेशर की वजह से भी तो सेल्स का साइज इंक्रीज होता है ना, ठीक है, टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, दस प्लांट ग्रोथ और फर्दर उसकी डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द, ये वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट पर डिपेंड करता है, वाटर जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है, वाटर जो है ये इट प्रोवाइड, वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन का काम क्या है, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करता है ये, जो कि ग्रोथ एक्टिविटी के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में डिटेल, ये भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तीनों चीजें ही तो चाहिए। इन कंडीशन इनके साथ साथ इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म, इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होना चाहिए जो कि ग्रोथ के लिए बेस्ट सूटेबल होता है, एनी डिविएशन अगर कोई भी डिविएशन हो इस रेंज से कुड बी डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवर, इसमें कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट ग्रेविटी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इनके भी रोल है। कुल मिला के ग्रोथ के लिए वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ये सब असेंशियल चीज है, दैट्स इट, द न्यूज़पेपर रीडिंग देके छोड़ना है। अब एनसीईआरटी में टर्म देखा है डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। पहले मैं टर्म्स का मतलब आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ अपने पैटर्न में, फिर मैं आपको इसमें से पढ़ा दूंगी क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं सिंपल की डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, और एक पढ़ा अपन ने री डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई सेल है वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज करके डिफरेंशिएट हो जाए, मैच्योर हो जाए, एक और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगे,
तो इस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं और ऐसे सेल्स को कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि कोई भी सेल जो है इसका हो गया है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएट हो गई। सेल के डिफरेंशिएट होने का मतलब है लूज देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन हो गया, अंडरगो डिफरेंशिएशन, या फिर बोल दिए मैच्योर हो गई है और मैच्योरेशन टू परफॉर्म, और एक मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगी, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन और ऐसी सेल्स को आप कहेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। समझे क्या होता है प्रोसेस डिफरेंशिएशन का, कि भाई कोई सेल है वो आप डिवाइड करना छोड़ देगी, उसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दिया, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गई, वो मैच्योर हो गई, वो डिफरेंशिएट हो गई है। तो ऐसे इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टर्म है डी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, इसमें जो डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल क्या थी, समझ में आ गया ना, जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी थी, जो मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गई थी। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल है इट रीगेन, ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को दोबारा रीगेन कर लेगी, इट रीगेन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, मतलब ये दोबारा डिवाइड करने लगेगी। डिफरेंशिएटेड सेल अगर अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को दोबारा से रीगेन कर ले तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे डी डिफरेंशिएशन और ऐसी सेल्स को कहते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, री डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, डी डिफरेंशिएटेड सेल, इस डी डिफरेंशिएटेड सेल ने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को अगेन रीगेन कर लिया था ना, इट अगेन लूज देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड मैच्योर हो जाएगी ये, एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, इसे आप कहते हैं री डिफरेंशिएशन। दैट्स इट बच्चा, टर्म्स का मतलब क्लियर हो गया, फिर अभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो चीजें ऐसे समझ में आ जाएंगी। हमने जस्ट इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझा कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, कि कोई सेल है जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी, फर्दर डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी, अब डिवाइड नहीं होगी, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका, यानी कि मैच्योर हो गई और एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है अब इसमें, इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस को, और ऐसे सेल्स को कह देंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। नेक्स्ट पढ़ा डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्लियर ही है कि मतलब वो सेल्स जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर चुकी थी, अगर डिफरेंशिएटेड सेल अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को वापस से रीगेन कर ले, दोबारा डिवाइड होने लग जाए, तो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन और ऐसी सेल्स को डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द री डिफरेंशिएशन, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कौन सी थी, डिफरेंशिएटेड सेल ने डिवाइडिंग कैपेसिटी को अगेन रीगेन कर लिया था ना, दोबारा अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, मैच्योरेशन हो जाए इनका दोबारा से, तो इस प्रोसेस को कहेंगे री डिफरेंशिएशन और ऐसी सेल्स को कहते हैं री डिफरेंशिएटेड सेल्स। दैट्स इट। द सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम, ये डिफरेंशिएटेड सेल का एग्जांपल है, रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम एंड कैम्बियम, दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी है, डिफरेंशिएट हो गई है, मैच्योर हो गई है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए,
इस दिस एक्ट इस फिनोमिना को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दौरान सेल के अंदर कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, सेल वॉल के अंदर और प्रोटोप्लाज्म दोनों के अंदर, जैसे कि टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट द सेल को अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करना पड़ता है। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्युलर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है टू कैरी द वाटर टू द लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर द एक्सट्रीम टेंशन। तो कुल मिला के ये हुआ, तो कुल मिला के डिफरेंशिएशन क्या है ये तो लिख लिया ना, इसका एग्जाम्पल लिख लो रूट अपाइकल शूट अपाइकल मैरिस्टम, ठीक है, रूट अपाइकल शूट अपाइकल मैरिस्टम एंड कैम्बियम, ये डिफरेंशिएशन में। इसमें आगे फर्दर मैं एड ऑन करूँ मतलब क्या है तो लिख दिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिफरेंशिएशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दे रखे। ये तो सिर्फ मैंने टर्म समझाई थी, डिफरेंशिएशन किन में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल रूट अपाइकल मेरिस्टम शूट अपाइकल मेरिस्टम और कैम्बियम के अंदर, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं ये आप यहीं पे हाईलाइट कर रही हूं मैं, डिफरेंशिएशन के दौरान ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी, जैसे कि ट्रैकरी एलिमेंट सेल अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा, वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्युलोसिस सेकेंडरी वॉल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फिनोमिना जो है इट इज डी डिफरेंशिएशन। एज आई टोल्ड यू डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो डिफरेंशिएटेड सेल थी जिसने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दिया था, ये वापस अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन कर लेगा, दैट इज दिस फिनोमिना इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज डी डिफरेंशिएटेड सेल। देखो प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल क्या है पता है, नाउ हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड लॉस्ट कर दी थी, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, वापस अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन कर ले कुछ कंडीशन के अंदर, इस फिनोमिना को आप कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, जो ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी, डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लिख चुके, डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, इसी को आप कहते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल। इसका एग्जांपल लिख लो आप डायरेक्ट, डी डिफरेंशिएशन का रटने वाला सेक्शन जो है एग्जाम्पल ये लिखवा रही हूँ, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, ये आपके इसका एग्जाम्पल है, लिख लो फॉर्मेशन मेरिस्टम इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली differentiated parenchyma cell, इसे कहते हो आप डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगेन हमने टर्म पढ़ा रीडिफरेंशिएशन क्या है, हमने पढ़ा था रीडिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है ये डिवाइडिंग कैपेसिटी को अगेन लूज करके मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगे, ऐसे फिनोमेना को रीडिफरेंशिएशन। और देखो व्हाइल डूइंग ये जो मेरिस्टम टिश्यू आर एबल टू जो डिवाइड, मतलब जो डिडिफरेंशिएटेड सेल थी ये वापस से अगेन लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, वापस से अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज करके
मैच्योर हो जाए टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो इस प्रोसेस को कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। इस तरीके की सेल को कहेंगे रीडिफरेंशिएटेड सेल। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू ने वुडी डाइकोटिलेडन प्लांट दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, वुडी डाइकोटिलेडन प्लांट ये उसके एग्जाम्पल हो गए। दैट्स इट, समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ अब ये डेवलपमेंट की बात, ये टर्म्स हम पढ़ लेंगे। ये डायग्राम समझा देती हूँ बस मैं तुम्हें, इसमें यही है। और फिर ये प्लास्टिसिटी वाला जो है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिसिटी मैं खुद लिखवाऊंगी, पहले अपने पैटर्न में पढ़ा दूँ, फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा ये प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी, दिस डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ये करवाऊंगी तुम्हें। पहले ये डायग्राम देख लो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कोई भी सेल है, ग्रोथ यानी कि उसका एक्सपेंशन यानी कि एलोंगेशन एनलार्जेशन होता है, फिर वो मैच्योर हो जाती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया, उससे मैच्योर सेल बनी। मैच्योरिटी से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे सेनेसेंस कहते हैं, बुढ़ापा। यही तो फेजेस ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, इलांगेशन होगा, ठीक है, साइज बढ़ेगा, फिर वो मैच्योर होगी डिफरेंशिएशन से, मैच्योरिटी से लेकर डेथ तक का टाइम पीरियड सेनेसेंस। तो ये सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट दे रखा है। ये पहले मैं तुम्हें यहाँ लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, ये प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लांट्स जो है इट फॉलो डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट पाथवे को फॉलो करता है किसके रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ, जिससे कि अलग अलग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। इस एबिलिटी को ही आप कहते हैं प्लास्टिसिटी, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है प्लास्टिसिटी? एज आई टोल्ड यू, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू environment, in response to environment or phases of life, or phases of life, इसे आपका different kind of structure बनाएगा, to form different kind of structure, to form different kind of structure, इसी एबिलिटी को आप कहते हैं दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, इसे आप कहेंगे प्लास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। हीट्रोफिली इन कॉटन, ये लिखा है, हीट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर, ये प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। लिखो पहले क्या है हीट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर। हीट्रोफिलीन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर, ये आपके इसका एग्जांपल है। क्या होता है देखो, इन प्लांट्स में क्या होता है, जुवेनाइल प्लांट्स की जो लीव्स हैं, यानी कि बालपन में प्लांट्स के, उनकी जो लीव्स होती है, द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट, इनका शेप
डिफरेंट होगा जो कि मेच्योर प्लांट्स में होती है. ठीक है, इन प्लांट्स में क्या होता है, लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट, जुवेनाइल प्लांट की लीव्स जो है इनका शेप अलग होगा जो मेच्योर प्लांट के कंपेयर में. लिखो, लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट, लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट. ये अलग होंगी शेप में, आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स. मतलब मैच्योर प्लांट्स और जुवेनाइल प्लांट्स की लीव्स में अंतर होगा. ठीक है, उसके शेप में. ऐसे ही देखो दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, शेप ऑफ लीव्स जो कि एयर में प्रोड्यूस हुए और जो कि वाटर में प्रेजेंट हुए हैं बटरकप की, ये भी हीट्रोफिलस डेवलपमेंट को शो करता है ड्यू टू एनवायरमेंट. इसे आप कहते हैं, दिस फिनोमिना इज हीट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी. ये बटरकप के अंदर, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर जो लीव्स है इनका शेप, और वाटर हैबिटेट के अंदर जो लीफ है इनका शेप अलग है. जुवेनाइल स्टेज में लीव का शेप कुछ और है, एडल्ट में कुछ और है. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, हीट्रोफिलिन लार्कस्पर एंड बटरकप, वेरी फेमस एग्जाम्पल. ये आप यहीं से लिख लेना, प्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये बटरकप वाला एग्जाम्पल भी, कॉटन कोरिंडल लार्कस्पर, ये लीव्स वाला और ये वाला, ये बटरकप वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लार्कस्पर और बटरकप का देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे 5 स्टार मार्क. तो ये होता है प्लास्टिसिटी. ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या है ये समझ में आ गया क्या? तो हीट्रोफिली जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी, ये याद रखना. हीट्रोफिली जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट जो है बेटा, अब एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स की मैं बात करूं, यहां पे लिख देती हूं. नेक्स्ट हेडिंग जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स की बात करें, तो दो पढ़ते हो आप इसमें, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ये दो टाइप के हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में मैं बात करूं तो इसमें ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करूं बेटा तो इसमें आएगा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलीन, और इन सबका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है. ठीक है, इन सबका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, ऑक्सिन के बारे में, ये जिब्रेलिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, इथाइलीन के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में. उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है इसका, फोटोपीरियोडिज्म, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी. फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी, देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर. अब ये जो फाइटो हार्मोन्स मैंने तुम्हें बताए, इन एक एक का डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, बट ये मैं बड़े आसान तरीके से तुम्हें करवाऊंगी, कैसे क्या भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मैं खुद लिखवा दूंगी, तो तुम बस वो हेडिंग से याद कर लेना. साइंटिस्ट के पार्ट वाले सेक्शन मैं एनसीईआरटी से ही तुम्हें हाईलाइट करवा देती हूँ, तो वहां से कर लेना, तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी. तो चलो शुरू करते हैं. देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में ये सिंपल राम कहानी जो दे रखी है, एज आई टोल्ड यू, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि ग्रोथ के, वेन इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी. ठीक है, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो गए, ये हो गए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. इसमें हमने क्या क्या पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन.
और जो दूसरे वो जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हो गए वो, और उन्हें आप कहेंगे एब्सिसिक एसिड और इथाइलीन है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑफ अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेस वगैरह के अंदर है। दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हो गए, ठीक है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड उस कैटेगरी को बिलोंग करता है एंड इथाइलीन आ गया। तो ये राम कहानी हमने ऐसे लिखवा दी ना तुम्हें ऐसे, ये रहे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के दो ग्रुप है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर की कैटेगरी में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनहिबिटर की कैटेगरी में एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलीन। अभी डिस्कवरी वाला साइंटिस्ट के नाम वाला सेक्शन दे रखा है, वो तो मैं डायरेक्टली मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, और क्या क्या याद रखना है मैं एनसीईआरटी से ही हाईलाइट करा दूंगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मैं खुद लिखवाऊंगी, तुम बस उत्ता कर दे जाना। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द फाइव मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी, सबके सारी की सारी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। ऑल दिस स्टार्टेड सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन, जब ये कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने देखा यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स, फोटोट्रॉफिज्म, लाइट सोर्स की तरफ उनका वो गिरना। फिर आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया कि टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल जो है यही जगह है जो कि एंटायर बेंडिंग ऑफ कॉलियोप्टाइल करवाता है। बाद में एफ डब्ल्यू वेंट नामक साइंटिस्ट ने फ्रॉम द टिप ऑफ ओट सीडलिंग ऑक्सिन को आइसोलेट किया। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, एफ डब्ल्यू वेंट, ये तीन टर्म तो ये याद रख लेना, वो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, कॉलियोप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास, तो ये समझते ही समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सिन। नाम देख लो तुम तो सिर्फ ये कि भाई चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और एफ डब्ल्यू वेंट, यानी कि ऑक्सिन के बारे में बात हो रही है, और कुछ कुछ वर्ड और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, कॉलियोप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास, ठीक है, बेंडिंग ऑफ कॉलियोप्टाइल, तो यानी कि समझ लेना ये ऑक्सिन की चर्चा चल रही है सारी। जहां पर भी ये शब्द आ जाए, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, एफ डब्ल्यू वेंट, कॉलियोप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, तुरंत समझ जाना है कि सारी डिस्कवरी किसकी बात चल रही है, ऑक्सिन। ये पांच कीवर्ड लिख लो तुम चाहो तो। अब जिब्रेलिन के बारे में कैसे बात होती है, फुलिश सीडलिंग डिजीज, बकने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फंगी है जिब्रेला फ्यूजिकेराए, ठीक है। इन्होंने इस डिजीज के सिम्टम राइस सीडलिंग में देखा था, ठीक है, तो इसको बाद में बताया गया कि भैया ये कुछ और नहीं है, जिब्रेलिक एसिड है, यानी कि जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन के बारे में जब चर्चा चलेगी ना, तो वो कुर्सोवा, बकने या फुलिश सीडलिंग डिजीज, इसके बारे में, और इसके लिए कॉजेटिव एजेंट जिब्रेला फिजिकेरा, यानी कि समझ लेना जिब्रेलिन के बारे में बात चल रही है। साइटोकाइनिन के बारे में कीवर्ड्स क्या आएंगे, स्कूज साइंटिस्ट का नाम, साइटोकाइनिन और उनके कोवर्कर्स ने ये टोबैको स्टेम ऑफ कैलस पर ये देखा कि ऑक्सिन के अलावा दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम भी चाहिए। जब इन्होंने ये देखा तो बाद में ही पता लगा कि ये जो लेटर आइडेंटिफाइंग क्रिस्टलाइज साइटोकाइन्स प्रोमोटिंग द एक्टिव साइट, दैट इसको काइनेटिन कहते हैं। तो साइटोकाइनिन में टोबैको कैलस कुछ आएगा, एफ स्कूज एंड इसको वर्कर, यानी कि साइटोकाइनिन की बात चल रही है, समझ जाना, ठीक है। फिर इन्होंने एब्सिसिक एसिड की बात करूँ ना, तो इन्होंने बताया मिड 90s में तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई, किसी ने इनहिबिटर बी कहा, किसी ने एब्सिसिक सेकंड कहा, किसी ने डॉर्मिन कहा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों से इन चीज़ों को आइसोलेट किया था। बाद में पता लगा ये तीनों चीज़ें कुछ और नहीं, एब्सिसिक एसिड ही है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड ही है। इथाइलीन के बारे में एचएच कजिन्स, उन्होंने कंफर्म किया कि वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कभी कोई पका हुआ कोई फल है, ओवर राइपन फ्रूट, जिसे अपन आम भाषा में सड़ना कहते हैं, ओवर राइपनिंग हो गई किसी फ्रूट की, उसको आप फ्रूट बास्केट से निकाल देते हो ना, अदरवाइज क्या करता है वो, साथ के फ्रूट्स को भी राइपनिंग, ओवर राइपनिंग कर उनको भी सड़ा देता है, शुद्ध भाषा में सड़ाना, हम उसे ओवर राइपनिंग कहते हैं साइंटिफिकली,
तो वो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली वहां से गैशियस हार्मोन इथाइलिन निकलता है, वो उसको करवाता है. तो वो यही चीज कह रहा है कि एचएच कजिन ने कंफर्म किया कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंज, जो कि दूसरे स्टोर्ड अनराइपन्ड बनाना की राइपनिंग को भी हैस्टन यानी कि स्पीड अप कर रहा है. बाद में पता लगा कि ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है ये कुछ नहीं, इथाइलिन है. तो इनमें सारे साइंटिस्ट के नाम, ऑक्सिन के बारे में, जिब्रिलिन के बारे में, साइटोकाइनिन एब्सेसिक एसिड इथाइलिन में, जिन जिन साइंटिस्ट के बारे में थे उनके कुछ की टर्म्स इस्तेमाल जो करते हैं वो देख लेना. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, सबसे पहले ऑक्सिन की बात करेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये साइंटिस्ट वाला सेक्शन तो लिख लिया. अब मैं तुम्हें ना यहाँ पर साइड में इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लिखवाती जाती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जैसी स्पेस मिल रही है. सबसे पहले आ जाओ ऑक्सिन की बात कर लेते हैं. ठीक है, हेडिंग डाल लो. सब एनसीईआरटी से ही है, मैं अलग से लिखवा रही हूँ तुम्हें, जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना हो, बस इतना पढ़ लेना. पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. ठीक है, एक एक सुनते जाओ. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इसका, अपाइकल डोमिनेंस. मैं डिटेल नहीं जा रही, बता दूंगी क्या होता है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन का. अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है ना कि ये अपाइकल ग्रोथ डोमिनेंट होती है लेटरल ग्रोथ की तुलना में, मतलब लेटरली नहीं बढ़ेगा, अपाइकली ये ग्रो करता है, ऐसे कहते हैं आप अपाइकल डोमिनेंस. ठीक है, इसमें आप एक चीज और लिख लेना, प्रूनिंग और डीकैपिटेशन. मतलब अगर आप अपाइकल बड को ही रिमूव कर दो तो फिर वो लेटरली ज्यादा ग्रो करेगी. हेज देखी होगी ना, हेज डेंसिंग गार्डनिंग में इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये प्रूनिंग और डीकैपिटेशन टी प्लांटेशन में भी देखने को मिलती है. ये अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सिन का ही फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट में आएगा, प्रूनिंग और डीकैपिटेशन इन गार्डन. लिख लो एक ये पॉइंट, प्रूनिंग और डीकैपिटेशन इन गार्डन. ये क्या कर रहा है? लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रमोट डेंसिंग ऑफ हेज, प्रमोट डेंसिंग ऑफ हेज. ठीक है, और ये टी प्लांटेशन में भी यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज इन टी प्लांटेशन. तो एक तो ये इसका इंपैक्ट हो गया अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि अपाइकल ग्रोथ ज्यादा करेगा. ठीक है, दूसरा है रूट इनिशिएशन. बस नाम नाम, हेडिंग और कुछ नहीं डिटेल्स. दूसरा है रूट इनिशिएशन करवाता है. नेक्स्ट, इसका जो रोल है आपके प्रीमैच्योर एब्सेशन को तो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर. सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ लो इनका, डिटेल नहीं जाना. प्री मेच्योर एब्सेशन नहीं होने देगा, फ्लावर इनिशिएशन. ठीक है, लीची और पाइनएप्पल प्लांट में लिख लो, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग प्रमोट यूनिफॉर्म फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और लीची प्लांट.
ठीक है, द फ्लावर इनिशिएशन में इसका रोल है। पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट्स को प्रमोट करेगा, पार्थेनोकार्पी में रोल है, पार्थेनोकार्पी। और एक आप पढ़ते हो सेलेक्टिव वीड किलर, कौन होते हैं इसका डिटेल आपको इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव वीड किलर के बारे में। ये आपके कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, ये 2,4-D 2,4-5-T, ये आपके ना इन्हें कहते हो आप एजेंट ऑरेंज, ठीक है, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन है, एजेंट ऑरेंज कहते हैं, सिलेक्टिव वीड किलर है ये, सिर्फ और सिर्फ डायकॉट वीड्स को मारते हैं, किल ओनली डायकॉट वीड्स, मोनोकॉट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता इनका, इसलिए इसे सिलेक्टिव वीड किलर कहते हैं। अब यहां पर बात चली है ना तो लिख लो, नैप्थिलिन एसेटिक एसिड 2,4-D 2,4-5-T, ये सब सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सिन। और 2,4-D और 2,4-5-T को तो एजेंट ऑरेंज भी हम कहते हैं। ये अब ऑक्सिन का एक बायो ऐसे पे भी आ जाता है क्वेश्चन, ऑक्सिन का इसका बायो ऐसे की बात करूं ऑक्सिन का, तो ये है एवेना कर्वेचर टेस्ट, बस इतने पॉइंट्स याद रख लेना और कुछ मत पढ़ो। ऑक्सिन में क्या क्या पढ़ा देखो, पहले तो हमने साइंटिस्ट के बारे में जो जो याद रखना है, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, एफ डब्ल्यू वेंट, जहां पर भी यूलिलेटरल इल्यूमिनेशन, कॉलियोप्टाइल बेंडिंग इन कैनरी ग्रास, ये जो जहां पर भी ये सब चीजें आ जाए ना, समझ लेना ये ऑक्सिन की बात चल रही है। फिर ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में अपाइकल डोमिनेंस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मतलब अपाइकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इट इनहिबिट द लेटरल ग्रोथ। फिर प्रूनिंग और डीकैपिटेशन के बारे में, तो ये आप अपाइकल बड को ही तोड़ काट दोगे तो फिर ये लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में इसका यूज होता है। फिर रूट इनिशिएशन में रोल है, प्रीमेच्योर एब्सेशन को प्रिवेंट करता है, फ्लावर इनिशिएशन में है, पार्थेनोकार्पी है और सिलेक्टिव वीड किलर है। सिलेक्टिव वीड किलर मतलब सिर्फ और सिर्फ जैसे 2,4-D और 2,4-5-T, इसमें डिटेल आता है, एजेंट ऑरेंज कहते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन नहीं है ये, सिर्फ डायकॉट वीड्स को ही मारते हैं, मोनोकॉट्स पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आता, दैट इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट, दैट्स इट। अब देख लो ऑक्सिन के बारे में, देखो ऑक्सिन, ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले ऑक्सिन, ये इंडोल एसेटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये सब नेचुरल ऑक्सिन है, ये भी लिख दूं मैं यहाँ पर, सिंथेटिक तो लिखा ही दिया तुम्हें, कहाँ गए, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये लो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है ना, ये नेचुरल ऑक्सिन है। अब देखो आगे की राम कहानी, नैप्थिलिन एसिटिक एसिड एज वी डिस्कस, 2,4-D 2,4-5-T, इसमें अभी देखें ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है, काम हमने पढ़ लिया रूट इनिशिएशन में, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, डिटेल ज्यादा नहीं जाना, फ्लावरिंग को पाइनएप्पल और लीची के अंदर प्रमोट फ्लावरिंग, ठीक है, ठीक है, प्रीमेच्योर एब्सेशन को तो रोकता है, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, यानी कि प्रीमेच्योर एब्सेशन को तो प्रिवेंट करेगा बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर प्लांट पार्ट्स, ये भी लिख लो, प्रिवेंट एब्सेशन ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एब्सेशन एंड प्रोमोट, यहां पे सातवां पॉइंट लिख, प्रोमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर प्लांट पार्ट्स, ठीक है, ये हो गया, ये कर लिया ना, इसका मतलब यही तो हुआ, रूट इनिशिएशन में रोल हो गया, फ्लावरिंग प्रमोट करता है, फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल और लीची प्लांट में, प्रीमेच्योर एब्सेशन को रोक रहा है, ओल्डर प्लांट पार्ट में एब्सेशन को प्रमोट कर रहा है,
अपाइकल डोमिनेंस, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ाई है, डीकैपिटेशन और प्रूनिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, लेटरल ग्रोथ को टी प्लांटेशन और हेज बैकिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और एक अपन ने पढ़ा था पार्थेनोकार्पी के अंदर भी इसका यूज है, फिर अपन ने 24D 245T सिलेक्टिव वीड किलर है, इट यूज टू किल ओनली डायकोटिलेडोनस वीड, 24D एंड 245T इसे एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं, बस दैट्स इट। तो यही तो सारी राम कहानी से लिखी है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब आ जाओ जिब्रिलिन के बारे में, वही मैं अपने पैटर्न में, अब तुम्हें ये कुछ कभी नहीं पढ़ना, साइंटिस्ट के नाम एक साथ लिख लिया और अपन ने फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट में ऐसे लिख लिया, अपाइकल डोमिनेंस, इसमें प्रूनिंग और डीकैपिटेशन के बारे में, रूट इनिशिएशन, प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर एब्सेशन, प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर प्लांट प्लांट, फ्लावर इनिशिएशन, पार्थेनोकार्पी, सिलेक्टिव वीड किलर कौन है, एजेंट ऑरेंज के बारे में, डायकॉट वीड्स को मारता है, सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है, नेचुरल ऑक्सिन, ये सारा डिटेल एनसीईआरटी का सारा सार मैंने इसे लिखा दिया। अब दूसरा जो है इसमें, इसमें हम बात करेंगे जिब्रिलिन के बारे में, ये दे रखा जिब्रिलिन, मैं आपको अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी पहले, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, आ जाओ हेडिंग डाल लो जिब्रिलिन। इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सबसे पहले देखो बच्चे क्या कह रहा है ये, ठीक है, पहले सुनते जाओ फिर हम इसको देख लेंगे। स्टेम इंटरनोड इलांगेशन, ये आप इसमें देखते हो, स्टेम इंटरनोड इलांगेशन करवाता है ये, ठीक है, इंड्यूस स्टेम इलांगेशन इन रोजेट प्लांट, बोल्टिंग इफेक्ट भी इसे आप कहते हैं, बोल्टिंग इफेक्ट, लिख लो स्टेम इंटरनोड इलांगेशन, स्टेम इंटरनोड इलांगेशन, ये पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, तो इंड्यूस इंटरनोड इलांगेशन, जिब्रिलिन इंड्यूस स्टेम इलांगेशन इन रोजेट प्लांट, ये भी लिख लो, बोल्टिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, इंड्यूस स्टेम इलांगेशन इन रोजेट प्लांट, आप तो बकायदा लिख लो बोल्टिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं पर भी टर्म आ जाए बोल्टिंग इफेक्ट, यानी कि जिब्रिलिन का ही फिजियोलॉजिकल रोल है। तो पहला स्टेम इंटरनोड इलांगेशन, दैट इज द बोल्टिंग इफेक्ट, एक तो ये इसका रोल है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के इलांगेशन में इसका रोल है, जो जेनेटिकली ड्वार्फ बोने प्लांट होते हैं ना उनका इलांगेशन कराता है, इलांगेशन दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल, elongation of genetic dwarf plant, जो genetically dwarf plant होते हैं उनका elongation ये करवाता है, ठीक है, ये उसका एक role है, ये seed dormancy, breaking of dormancy में इसका role है, dormancy को break करता है, breaking of डॉर्मेंसी उसमें इसका रोल है, सीड जर्मिनेशन में इसका रोल है, सीड जर्मिनेशन से थोड़ा डिटेल आ जाता है मैं लिखवा दूंगी, सीड जर्मिनेशन में भी जिब्रिलिन का रोल होता है, वो अल्फा अमाइलेज, और मैं ये बता देती हूँ, मैं सीड जर्मिनेशन में लिखना है, यह हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जैसे कि अल्फा अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज का सिंथेसिस करवाता है, ये थोड़ा डिटेल आ जाता है, जिब्रिलिन इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ, ये लिख लेना, सीड जर्मिनेशन कैसे, तो जिब्रिलिन इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम
जैसे कि अल्फा अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज. ठीक है, अल्फा अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज. इनके तो सीड जर्मिनेशन में इसका रोल है. फ्रूट एंड फ्लावर एंड लार्जर भी है ये, मतलब साइज बढ़ाता है उनका, फ्रूट और फ्लावर का. इसका अगला फिजियोलॉजिकल रोल है फ्रूट एंड फ्लावर एंड लार्जर. ठीक है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट है पॉमेलिन के बारे में. एप्पल एंड लार्जर की तरह एक्ट करता है पॉमेलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से क्वेश्चन आ रखा है पॉमेलिन, ये जिब्रेलिक एसिड प्लस साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन है. इट एक्ट एज, ये एप्पल के साइज को बढ़ाने के काम में आता है. एक्ट एज एप्पल एंड लार्जर, पॉमेलिन कहते हैं. ये इसका एक फिजियोलॉजिकल रोल है. ठीक है, फिर ये शुगर केन प्लांट की हाइट को बढ़ाने में भी काम आता है, इंक्रीज इन हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट. नेक्स्ट, इंक्रीज इन हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट. ये शुगर केन प्लांट की हाइट को बढ़ाता है. ठीक है, फर्मेंटेशन में भी रोल है इसका, माल्टिंग प्रोसेस फर्मेंटेशन में भी इसका रोल है, फर्मेंटेशन में भी है, फर्मेंटेशन माल्टिंग प्रोसेस में. ये सब जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. ठीक है, स्टैमेंटर नोड एलोंगेशन जहां पर भी होता है, बोल्टिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, जेनेटिकली जो जेनेटिकली बोने वो होते हैं ना, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के एलोंगेशन में, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में, सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन के डिटेल्स आता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सिंथेसिस कराता है अल्फा अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज, फ्रूट एंड फ्लावर एंड लार्जर है, इसमें पॉमेलिन इंपॉर्टेंट है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन है, एप्पल की साइज को बढ़ाने के काम में आता है, शुगर केन प्लांट की हाइट का बता रहे हैं, शुगर केन प्रोडक्शन लगभग 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा देता है, ये डिटेल से भी आ जाता है, और फर्मेंटेशन में आ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ. देखो अनदर काइंड ऑफ, दूसरा जो है 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन को रिपोर्ट किया गया है, GA1 A2 से लेकर ये पूरा है. ठीक है, दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट. क्या करता है देखो, पहला स्टैमेंटर नोड इलोंगेशन पढ़ा था, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक. ठीक है, मतलब वो स्टैमेंटर नोड इलोंगेशन में इसका काम है. जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप. फ्रूट के एनलार्जमेंट में आ गया ना, फ्रूट एंड फ्लावर एनलार्जर, पॉमेलिन एप्पल एनलार्जर है जो. सेनेसेंस को डीले करता है, ये मैं लिखा दूंगी, डीले द सेनेसेंस. ठीक है, तो मार्केट पीरियड बढ़ा देता है, ये लंबे समय तक फ्रूट वहां पर रहेगा, लिख लो ये एक फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट. फर्मेंटेशन में लिख लो, माल्टिंग प्रोसेस में, माल्टिंग प्रोसेस. ठीक है, एक है डीले सेनेसेंस, तो ये मार्केट पीरियड बढ़ा देगा, मतलब लंबे समय तक फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल बढ़ रहेंगे, इंक्रीज द मार्केट पीरियड. ठीक है, डीले द सेनेसेंस, तो फ्रूट जो है लंबे समय तक ट्री पर रहेंगे, तो मार्केट पीरियड बढ़ा देता है. फिर अपन ने पढ़ा माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है ब्रूइंग और वाइन इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम पढ़ी लिया, ये हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट बढ़ा था, मैंने बताया था ये प्रोडक्शन को 20 टन पर एकड़ तक बढ़ा देता है, मैं उसका ये डिटेल भी लिखा दूंगी. स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर विद जिब्रेलिक एसिड हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड, तो अर्ली सीड प्रोडक्शन में इसका रोल है. स्टेम इंटरनोड इलेक्शन जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग, रोजेट हैबिट, इसे आपको बोल्टिंग इफेक्ट कहते हो, उसके अंदर रोल है. तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, तो मैंने जुवेनाइल कॉनिफर से बता दिया ना, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनकी हाइट बढ़ाने में भी काम आ रहा है. इंक्रीज हाइट ऑफ शुगर केन प्लांट तो लिखा ही था, यहाँ पे लिख लो ये इसका डिटेल लिख लो, इंक्रीज शुगर केन प्रोडक्शन लगभग अप टू
20 टन पर एकड़ तक बढ़ा देता है, ये 20 टन पर एकड़ तक आपके शुगर केन के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है। दैट्स इट, सारी राम कहानी हो गई। ठीक है, अब दे रखा है साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक बच्चों, क्लियर है ना? अपन तो अपने तरीके से ही देखेंगे वापस से साइटोकाइनिन के सारे फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स वगैरह। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको इसमें देखना है। आ जाओ यहाँ पे लिख लो, हेडिंग डाल लो, हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द साइटोकाइनिन, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। वो जिब्रेलिन के बारे में, वो बकने डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज, कुर्सोवा वाला, वो सब जिब्रेला फिजिकेला फंगी से की वजह से होता है, वो डिटेल तो हम पढ़ ही चुके ऑलरेडी, है ना? साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर जो था ये था साइटोकाइनिन। इसमें है सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट में, ठीक है, बट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इंडक्शन ऑफ सेल डिवीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट। सेल डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो लिख लो सेल डिवीजन, पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इसका साइटोकाइनिन का, ये सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट में है। सी फॉर सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट में है, ठीक है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है, इसलिए मैं इसको डबल हाईलाइट कर देती हूँ। सेल डिवीजन सेल एनलार्जमेंट दोनों है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े बेटा तो सेल डिवीजन में है। दूसरा है मॉर्फोजेनेसिस, क्या करवाता है ये मैं बताती हूँ। दूसरा इंपैक्ट है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस, जैसे कि मैं बताती हूँ, लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन रेशियो अगर आपका है, लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन, लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन ये रूट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रूट डेवलपमेंट कराएगा, और अपोजिट हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन, लो ऑक्सिन ये शूट डिफरेंशिएशन करवाता है, ठीक है, ये शूट डिफरेंशिएशन कराएगा, ये इसका एक रोल है शूट डिफरेंशिएशन, ये अपन ने कर लिया रूट डिफरेंशिएशन। तीसरा जो है काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि अपाइकल ग्रोथ में ये लेटरल बड को प्रमोट करेगा। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इट इज काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, दैट इज द प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस का मतलब समझ गए होंगे, इट प्रमोट लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये एक इसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। और एक पढ़ते हैं सेनेसेंस को डीले करता है, रिकमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं, डीले इन सेनेसेंस, डीले इन सेनेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दिस वन, रिकमंड लैंग इफेक्ट। क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा यहां से रिकमंड लैंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है, डिले इन सेनेसेंस। तो ये जो है ये सारे के सारे हैं आपके, बस दिस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ा दूंगी, ये देख लो क्या क्या पढ़ा है साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट में है, पर दोनों में से एक को मेन रोल इसका सेल डिवीजन में होता है, मॉर्फोजेनेसिस यानी कि रूट डिफरेंशिएशन और शूट डिफरेंशिएशन,
लो साइटोकाइनिन हाई ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट डिफरेंशिएशन एंड हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन रेशियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट डिफरेंशिएशन. काउंटर एक्शन ऑफ अपाइकल डोमिनेंस यानी कि लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है. डिले इन सेनेसेंस रिकमंड लैंग इफेक्ट दीज ऑल आर द फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ साइटोकाइनिन. आ जाओ साइंटिस्ट वाला पार्ट तो पहले ही देख लिया था हमने. एनसीईआरटी स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन जिसे ऑटोक्लेव हेरिंग काइनेटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है ये लिख लेना. काइनेटिन साइटोकाइनिन में काइनेटिन ये नेचुरल साइटोकाइनिन है. सर्च फॉर द ये एक्टिविटी जिएटिन भी है नेचुरल साइटोकाइनिन है ये भी जिएटिन ठीक है. कोकोनट मिल्क से मिला था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन से बहुत सारे नेचुरल एकिलिंग साइटोकाइनिन आपको मिले. नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन रीजन जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है ठीक है. इसका काम क्या है ये शूट ग्रोथ में अपन ने मॉर्फोजेनेसिस देख लिया ना रूट ग्रोथ शूट ग्रोथ ठीक है ओवर सॉरी अपन ने देख लिया ना कैसे शूट और उसके अंदर. फिर अपन ने पढ़ा ओवरकम ऑफ एपाइकल डोमिनेंस यानी कि प्रमोट द लेटरल ग्रोथ और डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस ऑलरेडी डिस्कस. रिकमंड लैंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो अपन ने एक एक्स्ट्रा इसमें देखा है ठीक है. मॉर्फोजेनेसिस आई है सेल डिवीजन सेल एनलार्जमेंट देखा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है याद होना चाहिए. दिस इज अबाउट द साइटोकाइनिन ठीक है. तो अपने जो मेजर प्लांट मेजर क्या मतलब प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर तीन ही पड़े ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन विच इज डन. नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बचा है एक तो है इथाइलीन और एक है उसमें एब्सिसिक एसिड और फिर फोटोपीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी. ये छोटू छोटू सा टॉपिक और बचा है तो हम आज ही की क्लास में खत्म कर लेंगे यार इसे. सो बस इतना करके ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे. मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हुए कि देखो एनसीईआरटी में सारे नोट्स बना लिया मैं कुछ कहीं करने की जरूरत नहीं पूरी रंगारंग कार्यक्रम कर दिया अपन ने एनसीईआरटी में और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ऐसे ही नोट्स आपको एनसीईआरटी के अंदर बना ले ये बिल्कुल ये एज इट इज छाप लो. ये मैं वैसे ये वाला एनसीईआरटी का पीडीएफ है ना तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ठीक है बच्चा पार्टी.